नमस्कार सुचित्रांशु को दवत पूजा की बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ चित्रकूट पूजा 27 तारीख को, जिसकी तैयारी सारे चित्रांश मिलजुल के कर रहे हैं। पूजा 71 जगह पूजा की मूर्तियाँ बैठ रही हैं और सभी की सामूहिक विसर्जन 28 तारीख को सुबह 9 बजे से यहाँ पे सहाय सदन में मूर्ति आना शुरू हो जाएगी। सारे मूर्ति एक जगह इकट्ठा होने के बाद फिर यहाँ से विसर्जन के लिए निकलेगी। रास्ते में बैंड बाजा के साथ सभी लोगों ने इंतजाम किया, बैंड बाजे के साथ मूर्ति को ले जाया जाएगा। जगह जगह पे दो चार जगह मूर्ति की आरती होती है, उसके बाद वहाँ नौजर घाट आदि मंदिर वहीं पर विसर्जन होगी। सारे चित्रांश लोग मिल के लगे हुए हैं कि पूजा अच्छे से अच्छे तरह से हो, सब लोग मिलजुल के भाई बंधु मिल के दवत पूजा करेंगे, उसके बाद चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने का विसर्जन की तैयारी में लगे हुए हैं। मैम, इस पूजा में लगभग कितने लोग शामिल होने की संभावना है? ये 4-5 हज़ार लोग शामिल इसमें होंगे। चार पाँच हज़ार लोग रहेंगे। इसमें फोर्स की व्यवस्था है, हमारी परमिशन ले ली गई है। सर, बैंड बाजे के साथ सारी मूर्तियाँ निकलेगी, विसर्जन एक साथ सब मूर्ति को ही नौजर घाट में आदि मंदिर में। उसके लिए एक तालाब किया गया ताकि गंगा जी में इसलिए नहीं गए, प्रदूषित होने के कारण वहाँ पर बैंड सरकार की तरफ से लगी हुई है, तो हुआ कि वहीं पर गड्ढा करके तालाब बनाया गया, उसी में मूर्ति का विसर्जन होगा। फिर सारे भाई लोग बंधु लोग का वहाँ भोजन की व्यवस्था है आदि मंदिर में, भोजन करके फिर अपने अपने घर लोग जाएंगे। अपना परिचय। मैं कुसुम लता वर्मा, मेयर प्रत्याशी पटना। 27 तारीख को चित्रगुप्त पूजा, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी अभी चल रही है? तैयारी तो ये है कि हम लोगों की दानापुर से लेकर सिटी तक 71 पूजा समिति है, सब जगह पर मूर्तियाँ बैठती हैं, इसमें 11 स्थापित हैं, बाकी सब जगह पर मूर्ति बैठती है। हम लोग का पूजा के बाद जो है जो सभी जगह पर घूमने का प्रोग्राम रहता है, उसका सामूहिक विसर्जन होता है, जिसमें कि दानापुर से लेके सिटी तक की सारी मूर्तियाँ सहाय सदन में आती हैं। यहाँ से जो है सो फिर जुलूस की शक्ल में शहर होते हुए यहाँ से डाक बंगला जाएगी, डाक बंगला से फिर मोहानी, और फिर मोहानी से साहित्य सम्मेलन नाला रोड होते हुए लिंकर गोलम्बर होते शाखा फिर चली जाती, शाखा फिर से फिर वो राजेंद्र नगर पुल पार करके मुन्ना चक जाएगी, और मुन्ना चक से फिर मेन रोड होते हुए कुमरार, विश्वमान कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी होते हुए भद्रघाट होते हुए श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी मूर्तियों का सामूहिक आरती होता है, उसके बाद वहाँ जो निर्मित जो तालाब है प्रदूषण के हिसाब से हम लोग गंगा जी में नहीं करते हैं, तो वहाँ इसी के चलते जो वहाँ की एक तालाब का निर्माण किया गया है, जिसमें भी सारी मूर्तियाँ आफ्टर आरती जो है सो उसमें विसर्जन किया जाता है, फिर वहाँ भाई भोज का आयोजन किया जाता है। सहाय सदन में भी यहाँ पर भी सवेरे लोगों का है कि लोग यहाँ पर सुबह 10-11 बजे से आ जाते हैं, तो यहाँ भी उनके लिए भाई भोज का आयोजन है, और उसके बाद फिर सिटी जाती है, तो वहाँ आरती उरती के बाद विसर्जन के बाद फिर वहाँ भाई भोज। इतने सारे जो है आप जो मूर्तियों के विषय में बताया सर, ये कब से इस तरह का जो है आप लोग? 16 साल से ये विसर्जन सामूहिक विसर्जन का प्रोग्राम चलते आ रहा है। हम लोग सहाय सदन से नौजर घाट आदि तक चित्रगुप्त घाट जिसको क्या वहीं पे इसका विसर्जन किया जाए, विसर्जन किया जाता है। वो तो वहाँ का जो मूर्ति होती है बहुत उसका नाम ही है श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर, बहुत पुराना है, गर्मियों के समय का ये सर। सहाय सदन ही सारे मूर्तियों को आप यहाँ जमवारा करते, आखिर इसका मिशन यहाँ क्या है? मिशन यह है कि हमारे जो इस सहाय सदन परिसर के जो ऑनर थे रविनंदन सहाय, वो अखिल भारतीय कास्ट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ये जो सामूहिक विसर्जन का हुआ वो अखिल भारतीय कास्ट महासभा एवं श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर के तत्वावधान में होता है, सारी पूजा समितियों के साथ मिलकर ये होता है। तो चूंकि अखिल भारतीय कास्ट महासभा और आदि मंदिर तो अखिल भारतीय कास्ट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन साहब और श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर के माननीय आर के सिन्हा हैं, ये दोनों के सौजन्य से इन्हीं लोग के प्रेरणा से ये
सामूहिक विसर्जन शुरू की गई है जिसका निर्वाह आज तक छूट गया है। अब हम लोग इसको कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। पिछले साल जैसे 50 मूर्तियाँ थी, 50 जगह पर पूजा होती थी, इस बार 71 जगह पर लोग पूजा हो। तो दिन प्रतिदिन लोगों का रुचि बढ़ते जा रहा है, होता कि पूजा चाहे जहाँ भी हो लेकिन कम से कम सामूहिक विसर्जन इकट्ठे एक साथ जो है किया। सर इस आयोजन में सर कितने लोग शामिल हो सकते हैं सर, संभव था? उसकी संख्या बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि यहाँ से लेकर सिटी तक हजारों हजार की संख्या में लोग आता है, तो एग्जैक्ट फिगर बताना बहुत 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। कोई खास अतिथि भी होंगे क्या सर इसमें, विशेष अतिथि के तौर पर? हम लोग तो जैसे कि बुलाए हैं आर के रविशंकर, तो रविशंकर प्रसाद जी भी हमारे मान्य सांसद हैं, वो भी नितिन नवीन है, रणवीर नंदन है, अरुण सिन्हा जी हैं, हम लोग इन सब लोगों को, बाकी बहुत भी सारे गणमान्य लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं, जितने भी प्रादि हो सकता है कि नीतीश जी का प्रोग्राम यहाँ यादि मंदिर में हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि प्रस्तावित प्रोग्राम में चला गया है, कहाँ उनका प्रोग्राम कैसे होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी आए। अपना परिचय दीजिए। सुजीत कुमार वर्मा, सामूहिक विसर्जन समिति का हम संयोजक हैं।